विद्युत संविदा कर्मचारियों के प्रदेश स्तरीय जिला मुख्यालय घेराव कार्यक्रम के तहत अपनी दो सूत्री मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए पैदल रैली निकाल दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले विद्युत संविदा कर्मचारियों ने शुक्रवार को अपनी दो सूत्री मांग को लेकर रैली निकालकर प्रदर्शन किया, साथ ही अपनी मांगों को लेकर दुर्ग के जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि विद्युत संविदा कर्मचारियों का प्रदेश स्तरीय जिला मुख्यालय घेराव 29 अप्रैल को अपनी दो सूत्री मांगों के लिए किया था, जिसमें पहला विद्युत संविदा कर्मचारियों को लाइन परिचालक के रिक्त पद पर नियमित करने के साथ ही पावर कंपनी में सेवा कार्य के दौरान शहीद हुए विद्युत संविदा कर्मचारियों के परिजनों के किसी एक सदस्य को तत्काल अनुकंपा नियुक्ति तथा उचित मुआवजा दिया जाने की मांग को लेकर आज संविदा कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इस संबंध में न्यूज़ टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। आज हम लोगों का कलेक्टर घराव है। पूरे 28 जिलों में हमारे जितने भी संविदा कर्मी हैं, विद्युत संविदा कर्मी हैं, वो सभी जिलों में जाके कलेक्टर जी को ज्ञापन देना है। और हमारी पहला मांग है कि जो 3200 रिक्त पद है उसमें हम 2500 भाइयों का नियुक्तिकरण चाहिए, और हमारे 26 भाई जो शहीद हो गए हैं उनके परिवार वालों को अनुकंपा नियुक्ति चाहिए और उचित मुआवजा चाहिए। यही मांग लेके हम लोग आज कलेक्टर घराव के लिए निकले हैं, और हम लोग यहाँ से जाएंगे और कलेक्टर जो महोदय है उसको ज्ञापन सौंपेंगे। संविदा भाइयों का, सभी संविदा भाइयों, 25 संविदा भाइयों का नियुक्तिकरण और दूसरा अनुकंपा नियुक्ति। हम लोग 50 दिन से कर रहे हैं, हम आज 51वां दिन है, और सभी जिला मुख्यालयों में 32 जिला और 28 जिला मुख्यालयों में सभी जगह ये आज का कार्यक्रम होने आ रहा है। किस तरह की मांग है वो, क्या है? पहला हम लोग का, पहले हमारे कंपनी में 2-2 साल में हम लोग का नियुक्तिकरण होते आ रहा है। 2003, 2006, 2009 और 2011 में भी हो चुका है। अच्छा, 2021 में हमारे जनरेशन में, हमारी कंपनी के जनरेशन में नियमितीकरण के लिए ऑर्डर आ चुका है और नियमित भी हुए हैं बहुत लोग। मेरा पुखराज कुमार साहू, यहाँ जिला उपाध्यक्ष। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।